हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। ये बनाने के लिए हमें साबूदाना 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक हम भिगो के लिया है। ये हम रेडी रखा है। इसमें बाइंडिंग के लिए हमने लिया बॉइल किया हुआ आलू, सेंग दाना, बारीक कटी हुई धनिया, जीरा मिर्ची पेस्ट, नमक और तेल। ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे। साबूदाना 8 घंटा भिगो के लिया है। 8 घंटा भिगोने से ये अच्छा सा बन जाएगा। इसी तरह नरम होना चाहिए। आपको सुबह सुबह बनाना रहेगा तो रात को भिगो कर रखेंगे। इसमें हम ग्रीन मिर्ची, जीरा दरदरा पीस के लिया है और बॉईल किया हुआ आलू इसको स्मैश करके लिया है। के बाद हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, बारीक कटी हुई धनिया, और क्रंची के लिए हमने लिया है सेंगदाना पाउडर। ये भी हम दरदरा पीस के लिया है। ये हमको एकदम बारीक नहीं पीसना है। हम ये अच्छी तरह मिलाएंगे। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स करके हमने छोटा छोटा बॉल्स बना के ले लेंगे। हाथ में ये बनाने के टाइम हाथ में थोड़ा घी या तेल लगाएंगे। ये सब हमने रेडी रखा है। हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे। तेल गरम करके हमको ये वड़ा बनाना है। हमको पैन में लिया है हम तेल। वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तेल गर्म हो गया है। हम दोनों हाथ में तेल लगाएंगे और दोनों का हाथ में बीच में रखे हम ये अच्छा सा प्रेस करेंगे। हमको ज्यादा प्रेस नहीं करना है। प्रेस करने के बाद हम तेल में डालेंगे। इसी तरह सब प्रेस करके ले लेंगे। साबूदाना वड़ा हम एक ही बार बना के रखेंगे तभी तो हमको तुरंत फ्राई करने को मिलेगा। गैस हम हाई पे रखेंगे। ये दूसरी साइड पलटाएंगे।
हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करके लेंगे। साबूदाना वड़ा इसी तरह क्रिस्पी बनने के बाद हम तेल से निकालेंगे। हम इसी तरह सब फ्राई करके ले लेंगे। साबूदाना वड़ा बनके तैयार हो गया है।